विस्तार या रेंज। इससे पहले हम अपकिरण ज्ञात करने की रीतियों के बारे में संक्षेप में अध्ययन कर चुके हैं। अपकिरण ज्ञात करने की मुख्यतः तीन रीतियां हैं, जिनमें पहली रीति है सीमा रीति, दूसरी रीति है विचलन माध्य रीति और तीसरी रीति है बिंदु रेखीय रीति। सीमा रीति के अंतर्गत विस्तार, अंतरचतुर्थक विस्तार और सतमक विस्तार रीति आती है, और विचलन माध्य रीति के अंतर्गत चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, परमाप विचलन और अन्य मापों में सुतत्यता, प्रतुशीर्षत्व, संभाव्य भ्रम आदि रीतियाँ आती है। फिर तीसरी जो रेखाचित्रीय या बिंदु रेखीय रीति है, उसमें हम लोरेंज वक्र का अध्ययन करते हैं। सीमा रीति और विचलन माध्य रीति अपकिरण ज्ञात करने की गणितीय रीतियां हैं, और जो तीसरी रीति है बिंदु रेखीय रीति, वो रेखाचित्र द्वारा अपकिरण ज्ञात करने की रीति है। इसमें हम लोरेंज वक्र का अध्ययन करते हैं। अब हम सबसे पहले सीमा रीति के अंतर्गत जो रीति है विस्तार रीति, उसका अध्ययन करेंगे। विस्तार किसी संमक माला के सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को कहा जाता है। विस्तार को प्रास भी कहते हैं। जैसे विस्तार ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है आर इक्वल टू एल माइनस एस। यहाँ पर एल लार्जेस्ट वैल्यू है और जो एस है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यानी श्रेणी का सबसे बड़ा जो मूल्य है वो एल होगा और जो श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य है वो एस। फिर आता है विस्तार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अपकिरण के तुलनात्मक अध्ययन के लिए विस्तार का सापेक्ष माप ज्ञात किया जाता है, यानी विस्तार के सापेक्ष माप को ही विस्तार गुणांक या प्रास गुणांक कहा जाता है। विस्तार गुणांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है सी आर इक्वल टू एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। अब हम विस्तार और विस्तार गुणांक के एक संख्यात्मक उदाहरण को देखते हैं। जैसे ये एक संख्यात्मक एग्जाम्पल दे रखा है, 10 छात्रों की सांख्यिकी और लागत लेखांकन की मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांक इसमें दे रखे हैं। फिर इसमें ये पूछ रहा है कि यहाँ पर दोनों विषयों में प्राप्तांकों के विस्तार की तुलना कीजिए। फिर यहाँ पर इसी का एक अन्य एग्जाम्पल और है, उसमें ये विस्तार तथा उस विस्तार गुणांक को पूछ रहा है। सबसे पहले हम पहले वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर हम जो सांख्यिकी में जो प्राप्तांक दे रखे हैं, इन इनमें हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ा मूल्य कौन सा है। इसी तरीके से हम लागत लेखांकन में भी
सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य को देखेंगे। सांख्यिकी में सबसे बड़ा जो मूल्य है वो यहाँ पर है 40, 40 यहाँ पर सबसे बड़ा मूल्य है, इसलिए हमारा लार्जेस्ट वैल्यू है 40। और इसमें सबसे छोटा जो मूल्य है वो है 10। अब इसलिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 10। अब यहाँ पर हम विस्तार का जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, एल माइनस एस यानी 40 माइनस 10, तो ये आ गया हमारा 30 विस्तार। ये हमारा सांख्यिकी में जो विस्तार है वो ज्ञात हो गया। इसी तरीके से हम जो लागत लेखा है उसमें भी यही करेंगे, सबसे बड़ा जो मूल्य है वो देखेंगे इसमें, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मूल्य है ये 45, तो इसको मान लिया हमने L। इसी तरीके से हम इसमें जो सबसे छोटा मूल्य है उसको देखेंगे, तो यहाँ सबसे जो छोटा मूल्य इसमें 15 है, बाकी जो संख्याएं हैं वो सब 15 से बड़ी है, तो ये हमारा ज्ञात हो गया स्मॉलेस्ट मूल्य यानी सबसे छोटा मूल्य 15। तो यहाँ भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ दूसरी श्रेणी में जो रेंज है वो होगा हमारा 45 माइनस 15, तो ये भी हमारा 30। अब यहाँ पर जो सांख्यिकी है उसका विस्तार यहाँ पर है 30, और जो दूसरा विषय है लागत लेखांकन उसका विस्तार भी यहाँ पर ये 30 ही है, यानी दोनों श्रेणियों के जो निरपेक्ष माप है वहाँ वो यहाँ पर क्या है, दोनों इक्वल है, इसलिए इन दोनों मापों के आधार पर हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसलिए हम जो अपकिरण का सापेक्ष माप है उसका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो सापेक्ष माप मतलब विस्तार गुणांक इनका निकालेंगे दोनों का ही। तो सबसे पहले हम देखते हैं सांख्यिकी का विस्तार गुणांक। विस्तार गुणांक को एफिशिएंट ऑफ रेंज CR ये होता है L माइनस S L प्लस S। तो यहाँ पर L हमारा था 40 और S हमारा था 10, ऊपर वाले में हम घटा देंगे और नीचे वाले में दोनों को जोड़ देंगे, तो 40 में से 10 माइनस किए तो 30 और 40 प्लस 10 50, तो ये हमारा प्राप्त हो गया 0.6। यानी जो सांख्यिकी का जो विस्तार गुणांक है वो हमारा प्राप्त हुआ 0.6। इसी तरह से हम लागत लेखांकन का विस्तार गुणांक ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी हम विस्तार गुणांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे L माइनस S L प्लस S। तो जो लागत लेखांकन है उसमें सबसे बड़ा जो पद मूल्य है वो है 45 और सबसे जो छोटा मूल्य है वो है 15 यहाँ पर 15 और ये 45 अधिकतम मूल्य था, तो इसमें नीचे हम इन दोनों को जोड़ देंगे और ऊपर वाले में इनको घटाते हैं, तो 45 में से 15 गए तो 30 और 45 और 15 60, तो यहाँ पर ये प्राप्त होंगे 3 मतलब 0.5 1/2। ये हमारा यहाँ पर जो विस्तार गुणांक है लेगा लागत लेखा में वो है 0.5, जबकि सांख्यिकी में जो विस्तार गुणांक था उसका मान था 0.6,
इसलिए हम दोनों विस्तार गुणांकों की तुलना करके ये आसानी से बता सकते हैं कि जो सांख्यिकी में विस्तार गुणांक है वो लागत लेखा में जो विस्तार गुणांक है उसकी तुलना में ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये तो प्रथम एग्जाम्पल हो गया, अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर ये एक और एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें ये पूछ रहा है निम्न बंटन में विस्तार तथा उसके गुणांक का परिकलन कीजिए, यानी कि अखंडित श्रेणी है, अखंडित श्रेणी में ये विस्तार और उसके गुणांक को ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो ये श्रेणी दे रखी है ये 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 और 26 से 30, यानी ये एक समावेशी श्रेणी है, ये एक समावेशी श्रेणी है ये समावेशी श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम वर्ग है उसकी जो ऊपरी सीमा है यानी 5, वो दूसरे वर्ग की जो निचली सीमा यानी 6, इन दोनों में क्या है, 1 का डिफरेंस, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। इसलिए हम सबसे पहले जो समावेशी श्रेणी है उसको अपवर्जी श्रेणी में बदलेंगे। तो यहाँ पर जो जो निचली सीमा है यानी जो प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा है यानी यहाँ पर 5 है, और जो अगले वर्ग की निचली सीमा है यानी 6, इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी इन दोनों का डिफरेंस है 1 का, इन दोनों का डिफरेंस है 1, इस डिफरेंस में हम 2 का भाग देंगे, फिर हमें मान प्राप्त हुआ 0.5। अब 0.5 को जो निचली सीमा होती है उसमें से तो हम घटाएंगे और जो ऊपरी सीमा है उसमें हम इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे प्रथम वर्ग है 1 से 5, तो 1 में से 0.5 को घटा देंगे क्योंकि निचली सीमा में से हम इसको जो डिफरेंस था उसका आधा यानी 1 का आधा 0.5 उसको निचली सीमा है 1 उसमें से घटाएंगे, तो 0.5 को 1 में से हम माइनस करेंगे तो हमें मान प्राप्त है 0.5, और जो ऊपरी सीमा है उसमें हम 0.5 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 5 में 0.5 प्लस किए तो ये हमें प्राप्त हुआ 5.5। इस तरह से हम यहाँ पर अगला जो वर्गांतर है वो बना लेंगे, जैसे यहाँ पर निचली सीमा 6, 6 में से 0.5 माइनस किए तो हमें प्राप्त हुआ 5.5, और जो ऊपरी सीमा है 10 है तो 10 में हमने 0.5 जोड़े तो ये प्राप्त होंगे 10.5। इसी तरह से जो निचली सीमा है 11, उसमें से 0.5 घटाए तो 10.5, और ऊपरी सीमा जो 15 है उसमें 0.5 जोड़े तो 15.5, इस तरह से हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो निचली सीमा है 26, उसमें से 0.5 माइनस किए तो हमें प्राप्त होंगे 25.5, और जो ऊपरी सीमा है 30, उसमें हमने 0.5 जोड़ दिए तो ये प्राप्त होंगे 30.5। इस तरह से हम जो यहाँ पर जो समावेशी श्रेणी है उसको सबसे पहले हम अपवर्जी श्रेणी में बदलेंगे। तो जो ये पहला वर्ग है, वर्गांतर है, उसमें
एक में से 0.5 का माइनस किए तो 0.5, और इसमें जोड़े तो 5.5। यहाँ जो अंतिम वर्ग है उसमें 26 में से 0.5 माइनस किए तो 25.5, और 30 में इसको जोड़ा तो 30.5। अतः यहाँ पर जो न्यूनतम मूल्य है या न्यूनतम सीमा है वो 0.5, और जो अधिकतम सीमा है वो 30.5। इसलिए यहाँ पर L 30.5 और जो S है वो 0.5। अब हम आराम से विस्तार निकाल सकते इसमें, तो 30.5 माइनस पॉइंट फाइव, तो ये हमारा होगा 30। यहाँ पर विस्तार आ जाएगा 30, और विस्तार गुणांक भी निकाल सकते इसमें आराम से हम। तो जो अधिकतम वैल्यू है वह 30.5, और जो न्यूनतम वैल्यू है वह 0.5। तो यहाँ पर हमें जैसे जो मूल्य है उनके आधार पर हम विस्तार गुणांक ज्ञात कर सकते। सी आर कोफिशियंट ऑफ रेंज, यानी 30.5 में से हमने माइनस के 0.5 किए थे तो हमें प्राप्त हुआ था 30, और नीचे 30.5 और 0.5 को प्लस किया तो हमें मूल्य प्राप्त हुआ 31। 30 में जब हम 31 का भाग देते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है 0.97। तो ये हमारा प्राप्त हो गया विस्तार गुणांक। इस प्रकार हम अखंडित श्रेणी में भी विस्तार और उसके गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं।